एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस कुछ एम सी क्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है मॉडल वाइज मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा विथ आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ कॉमर्शियल पॉलिसी मॉडल वन एम सी क्यूज क्वेश्चन नंबर वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी इसका आंसर है बी टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड इसका आंसर है डी प्रमोट एफिशियंट एलोकेश ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड इसका आंसर है ए डज नॉट ऑलवेज बेनिफिट लेस डेवलपड कंट्रीज क्वेश्चन नंबर फोर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी डैश इसका आंसर है सी हेल्प प्रिवेंट डंपिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टैरिफ रेट क्वाटास आर डैश इसका आंसर है डी लो टैरिफ रेट ऑन एन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट विथिन द क्वाटास लिमिट एंड वेरी हाई टैरिफ रेट ऑन इंपोर्ट्स अबाउ द इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन नंबर सिक्स अ टैरिफ एक्सप्रेस एज एदर अ स्पेसिफिक और एन एड रेट इसका आंसर है बी मिक्स टैरिफ क्वेश्चन नंबर सेवन काउंटर वेलिंग टैरिफ स्पेसिफिकली एम टू डैश इसका आंसर है सी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज गिवेन टू द प्रोड्यूसर इन द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्वेश्चन नंबर एट सिस्टम दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू यूज सम प्रोपोर्शंस ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल इज नोन एज डैश इसका आंसर है ए ए आंसर है इसका मिक्सिंग क्वाटास क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एन टी बी इसका आंसर है डी टेरी फ्रेड क्वार्टर्स। क्वेश्चन नंबर टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन टी बी प्रिवेंट फ्री मोमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज इसका आंसर है बी एक्सचेंज कंट्रोल क्वेश्चन नंबर इलेवन द रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजप्शन ड्यू टू इम्पोजेशन ऑफ कोटा रिजल्ट इन डैश इसका आंसर है सी लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया इज अ ट्रेड ब्लॉक वेयर डैश इसका आंसर है बी कंट्रीज एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ बैरियर ऑन सेलेक्टेड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री ट्रेड एरिया इज अ ट्रेड ब्लॉक वेयर डैश इसका आंसर है ए कंट्रीज एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ बैरियर ऑन ऑल गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर मेंबर नेशंस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ कस्टम्स यूनियन इज अ ट्रेड ब्लॉक वेयर डैश इसका आंसर है सी कंट्रीज एग्री टू हैव एन कॉमन यूनिफाइड टैरिफ अगेंस्ट नॉन मेंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अ कॉमन और सिंगल मार्केट इज अ ट्रेड ब्लॉक वेयर डैश क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर है डी ऑल बैरियर आर एलिमिनेटेड टू अलाउ फ्री मोमेंट ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल एंड लेबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डैश इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस इसका आंसर है जो कि है सी इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द डैश वॉज साइन टू क्रिएट ई यू इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री इसका आंसर है ए ट्रीटी ऑफ मास्ट्री Question number 18. The Euro replaced the national currencies of 12 Euro member nations in the year dash. Its answer is B. 2002. Question number 19. The functioning of the Euro single market in governed by dash. इसका आंसर है डी ट्रीटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द यूरोज़ोन क्राइसिस वॉज इसलिए अ डैश क्राइसिस इसका आंसर है सी सोवरेन डेप्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एशियन वॉज फॉर्म इन डैश इसका आंसर है ए नाइनटीन सिक्सटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू

नेक्स्ट मॉडल है हमारा बी ओ पी एंड डब्लू टी ओ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डब्लू टी ओ सेकेंड मॉडल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कराया है आप लोगों को एम सी भी डिस्कस करते हैं एम सी क्यू फर्स्ट क्वेश्चन यूनिलैटरल ट्रांसफर डैश इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है जो कि है फर्स्ट वाला फर्स्ट आंसर है इसका यूनिलैटरल ट्रांसफर इस डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ़ दी बिलो. क्वेश्चन नंबर फ्लो इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू डैश इसका आंसर है गिफ्ट एंड ग्रांट क्वेश्चन नंबर थ्री द फुल्रीम इज डैश इसका आंसर है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर क्वेश्चन नंबर फोर फर्स्ट जनवरी आंसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑटोनोमस कैपिटल फ्लो डैश अदर आइटम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका आंसर है आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन द करंट अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डैश इसका आंसर है इंक्लूड्स मर्सेंटाइज ट्रेड एंड सर्विस क्वेश्चन नंबर एट अ डेफिसिट इन इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड इन रिसेंट टाइम इज ड्यू टू डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ द बिलो क्वेश्चन नंबर नाइन गुड्स परफॉर्म ऑन डैश हैज हेल्प इन इंडिया टू रिड्यूस इट्स करंट अकाउंट बैलेंस डेफिसिट इन रिसेंट टाइम इसका आंसर है इनविजल अकाउंट क्वेश्चन नंबर टेन देयर इज एन इंक्रीज इन डैश ऑन इंडिया कैपिटल अकाउंट इन रिसेंट टाइम इसका आंसर है नॉन डेप्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो क्वेश्चन नंबर इलेवन आफ्टर कवरिंग डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट एक्सेस कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट आर एडेड टू डैश इसका आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बैंक कैपिटल ऑन इंडिया इंडियाज कैपिटल अकाउंट इंक्लूड डैश इसका आंसर है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट एन आर आई डिपोजिट्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्राइवेट ट्रांसफ़र ऑन इंडियाज करंट अकाउंट इंक्लूड डैश इसका आंसर है लोकल विड्रोवल फ्रॉम एन आर आई रुपी डिपोजिट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ डैश इसका डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेंट इन कार्पोरेटेड डैश प्रपोजल इसका आंसर है ऑर्थर डंकेल क्वेश्चन नंबर डीन डैश हैज गिवेन मैंडेट टू नेगोशिएट मल्टीलेटरल रूल रिलेटिंग टू सर्विसेज इसका आंसर है डब्ल्यू टी ओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ डैश इसका आंसर है कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर एटीन एक्सटर्नल बॉरविंग इज ट्रीटेड एज डैश फ्लो इसका आंसर है एकोमोडेटिव क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया इंक्लूड डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ़ द बिलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द हाइस्ट अथॉरिटी ऑफ डब्लू टी ओ इज डैश इसका आंसर है द मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डज नाट एम एट डैश इसका आंसर है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ द बिलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड डैश इसका आंसर है एफ डी आई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिटरल ट्रांसफर इसका आंसर है शॉर्ट टर्म लोन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइ डैश इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर टू करेक्ट बी ओ पी इसका आंसर है डिवेल्युएशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वेन बी ओ पी डिसब्रियम इज क्रॉनिक इन नेचर एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ अ साइन ऑफ डैश इक डिसिक्लब्रियम इसका आंसर है फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन

इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अब ट्वेंटी एट का आंसर है पार क्वेश्चन नंबर थर्टी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया इंक्लूड डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ दी दब क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पास्ट सेवरल ईयर इंडियाज कैपिटल अकाउंट बैलेंस वॉज डैश इसका आंसर है सरप्लस क्वेश्चन थर्टी टू पोर्टफोलियो फॉरन इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूड इन डैश अकाउंट ऑफ इसका पी इसका कैपिटल क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज टू करेक्ट बी ओपी डिफिसिट इंक्लूड डैश ऑफ डोमेस्टिक करेंसीज इसका आंसर है डी वैल्युएशन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर Tariff and quotas are imposed on import to correct BOP deficit are called as DASH measures. Its answer is cancer hai direct. Question number 35. The sum of the total export, import, demand, electricity must be DASH. Its answer is cancer hai greater than 1. Question number 36. In the past several years, India's net invisible barrier in DASH. is answer is surplus. सो so, नेक्स्ट जो कि मॉडल थर्ड है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हेजिंग रेफर टू डैश इसका आंसर क्या होगा तो इसके जितने भी आंसर्स होंगे वो फर्स्ट ऑप्शन ही होंगे तो ठीक है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हमारा लास्ट मॉडल है ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी के मैं आपको क्वेश्चन वीडियो में बताऊंगी हेजिंग क्वेश्चन नंबर वन हेजिंग रेफर टू डैश इसका आंसर है द कवरिंग ऑफ अ फॉरन एक्सचेंज रिस्क क्वेश्चन नंबर टू अंडर फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डैश इसका आंसर है द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर थ्री फंक्शंस ऑफ फॉरिक्स मार्केट इंक्लूड डैश इसका आंसर है ऑल दी बिलो क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसका आंसर है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डैश हेल्प टू इक्वलाइज द एक्सचेंज रेट इन ऑल पार्ट ऑफ द फॉरन एक्सचेंज मार्केट स्पेकुलेश क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉरवर्ड मार्केट इन फॉरन एक्सचेंज रेफर टू डैश मार्केट इसका आंसर है शॉर्ट

क्वेश्चन नंबर टेन वेकल करेंसी इज डैश वेकल करेंसी इज डैश इसका आंसर है अस्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी क्वेश्चन नंबर इलेवन एवरी ट्रेज रेफर टू परचेस एंड सेल ऑफ एन एसेट इसका आंसर है एट लो प्राइस इन वन मार्केट एंड इट्स साइमल्टेनियस सेल एट हायर प्राइस इन अनदर मार्केट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश इज नॉट इंक्लूड इन द होल सेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसका आंसर है स्मॉल इन्वेस्टर क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्पेकुलेटर डील इन डैश इसका आंसर है एक्सपोर्ट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्वेश्चन नंबर थर्टीन हैज एंटर फॉरन एक्सचेंज मार्केट टू डैश इसका आंसर है कवर रिस्क क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर डैश इसका आंसर है वेरियस फॉरन करेंसीज आर एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्लैक्सिबल एक्सचेंज क्रिएट डैश इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स तो इसका आंसर है अनसर्टिनिटी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन डैश इज नॉट अ डिफेक्ट और फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट इसका आंसर है स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम क्वेश्चन नंबर एटीन अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम The exchange rate is determined by the market force its answer is flexible. Question number 19 under dash exchange rate system the central bank of a nations intervenes in exchange rate determination its answer is managed float. Question number 20 fixed exchange rate system the exchange rate was dash Is answer is stable. Question number 21 the modern foreign exchange market operates under dash rate system. इसका आंसर है फ्लोटिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन द फर्स्ट करेंसी इन द करेंसी प्योर इज कॉल्ड डैश करेंसी इसका आंसर है बेस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डैश इज अ फीचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसका आंसर है ऑपरेटर ट्वेंटी फोर आवर फॉर फाइव डे इन अ वीक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसका आंसर है लिमिटेड जोग्राफिकल कवरेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव डैश एन एनेबल एन इन्वेस्टर टू अर्न हाई रिटर्न वाइल मिनिमाइजिंग कैपिटल रिस्क इसका आंसर है लेवरेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ट्रांजेक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैव बिकम अ क्विकर ड्यू टू डैश इसका आंसर है एडवांस टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलोकम्युनिकेशन स्विफ्ट इज अ डैश कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर दैट फैसिलिटी ट्वेंटी फोर आवर सिक्योर इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शन बिटवीन बैंक सेंट्रल बैंक मल्टी नेशनल एंड मेजर सिक्योरिटीज फॉर्म इसका आंसर है ग्लोबल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट The function of foreign exchange market that help in clearing international transactions is in known as is known as dash. is answer transfer. Question number twenty-nine: Provision of documentary bill of exchange in international payment is an example of dash function. Its answer creation of credit. Question number thirty: The function of foreign exchange market which is concerned with fixing ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज नोन हैज हैजिंग इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द फॉरन एक्सचेंज रेट ऑफ नेशन इज इन्फ्लुएंस बाय डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ द बिलो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द फॉरन एक्सचेंज रेट ऑफ नेशंस इज इन्फ्लुएंस बाय डैश इसका आंसर है ऑल ऑफ द बिलो क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री डैश इज अट फीचर ऑफ स्पोर्ट एक्सचेंज रेट इसका आंसर है क्लियरिंग ऑफ पेमेंट क्लियरिंग ऑफ पेमेंट टेक प्लेस फेयरली लॉन्ग पीरियड क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द डिमांड फॉर फॉरन करेंसी अराइज ड्यू टू डैश इसका आंसर है इम्पोर्ट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव द सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी इज ऑन अकाउंट ऑफ डैश इसका आंसर है एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डैश रेट इज द रेट एट विच नेशंस करेंसी इज एक्सचेंज फॉर सम अदर नेशंस करेंसी इसका आंसर है एक्सचेंज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द डिमांड कव फॉर फॉरन एक्सचेंज स्लोप डैश इंडिकेटिंग दैट व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरन करेंसी फॉल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द सप्लाई ऑफ कव फॉर फॉरन करेंसी स्लोप डैश इंडिकेटिंग दैट व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरन करेंसी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इट्स इंक्रीज उसका आंसर है अपवर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ देयर इज अ मोर डिमांड फॉर फॉरन करेंसी द फॉरन करेंसी विल डैश इसका आंसर है अप्रेसिएट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वेन द डिमांड कव फॉर फॉरन करेंसी इंटरेस्ट द सप्लाई कव वी गेट डैश एक्सचेंज रेट इसका आंसर है इक्विब्रियम क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन थियोरी ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी डैश नेगलेक्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी वॉज प्रेड बाय डैश इसका आंसर है गुस्ताव कैसे क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री परचेसिंग ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द मेंट मॉनेटरी अथॉरिटी डैश द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इसका आंसर है प्रिवेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर डैश इज अ मैन मोनिट्री अथॉरिटी इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस थ्रू एम पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इसका आंसर है स्टेरीलाइज इंटरवेंशंस क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव डैश इज़ अ मैन मोनिट्री अथॉरिटी इंटरवेंशंस बाय परचेज सेल ऑफ फॉरन करंट टू प्रिवेंट फ्लक्चुएशंस इन फॉरन एक्सचेंज इसका आंसर है यूनिटेरलाइज इंटरवेंशंस क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स डैश ऑफ द गुड रिजल्ट इन डिमांड फॉर फॉरिन करेंसी इसका आंसर है इम्पोर्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन डैश रिजल्ट इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी यूनिलैट्रल रिसेप क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट यूक्प्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड वेन डैश द डिमांड कव फॉर फॉरन करेंसी इंटरसेक्ट विद सप्लाई कव क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी इज बेस्ड ऑन डैश इसका आंसर है परचेसिंग पावर ऑफ टू करेंसीज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्रिटिक्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी स्टेट दैट इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशंस फॉर डैश कंट्रीज इसका आंसर है लार्ज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन पी थ्योरी कंसिडर दैट गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर डैश इसका आंसर है आइडेंटिकल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पी 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 थी इग्नोर कैपिटल फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डैश इसका आंसर है कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देर इज एन डैश रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट इसका आंसर है इनवर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर देर इज एन डैश रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट इसका आंसर है डायरेक्ट Question number 55, L E R M S was introduced in India 1992. Question number 56: Under Managed Float, the Central Bank of Nations intervened to dash foreign currency. इसका आंसर है परचेस एंड सेल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन अंडर फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डैश इसका आंसर है मार्केट फोर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट अंडर आई एम एफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम वॉज डैश इसका आंसर है गोल्ड स्टैंडर्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो